हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस घर का एक्सटीरियर, इंटीरियर और 2D प्लान, जिसकी प्लॉट साइज है 16 फीट बाई 35 फीट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। यह इस हाउस का प्लान, इसे पॉज करके अच्छा से समझ लीजिए। ग्राउंड फ्लोर पे दोस्तों आप जैसे इंटर करिएगा तो आपको मिल जाती है लिविंग रूम के बगल का आपको स्टेयर मिल जाएगी जो आपको छत पे ले जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको डाइनिंग एरिया मिल जाती है, साथ में किचन मिल जाती है। इसके बाद लास्ट में आपको एक बेडरूम मिल जाता है, बाथरूम मिल जाता है और बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट मिल जाता है। तो चलिए आप घर के अंदर चलते हैं और घर के अंदर का इंटीरियर डिजाइन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। ये सामने वाला डोर से हम लोग इंटर करेंगे घर के अंदर। इंटर करते ही दोस्तों आपको अच्छी साइज की, बड़ी साइज की लिविंग रूम देखने को मिलेगा। लिविंग रूम के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर भी विंडो मिल जाती है लिविंग रूम की वेंटिलेशन के लिए। तो कुछ इस तरह से आप लिविंग रूम को डिजाइन कर सकते हैं। अब ये डोर से हम लोग चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है जहां पर हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल का सेटअप की हुई है। डाइनिंग के साथ दोस्तों आपको मिल जाती है किचन। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप मॉडलर किचन का डिजाइन कर सकते हैं। किचन की वेंटिलेशन के लिए विंडो हमने डिजाइन किया है। किचन को समझने के बाद अब ये डोर से हम लोग चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो यहां पर दोस्तों आपको एक बेडरूम मिल जाती है। इस बेडरूम के साथ दोस्तों आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। विंडो के बैक साइड पे हमने डक्ट डिजाइन करी हुई है। यहां से हम लोग चलते हैं टॉयलेट की तरफ जो बेडरूम के साथ अटैच है। अब बेडरूम को समझने के बाद दोस्तों हम लोग आए अपने डाइनिंग एरिया पे। यहाँ पे आपको कॉमन बाथरूम मिल जाती है जिसमें आपको शावर और WC मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है। विंडो के बैक साइड पे हमने डक्ट डिजाइन करी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग स्टेयर से होते हुए छत की तरफ। तो यहां पे भी दोस्तों आपको स्टेयर मिल जाता है। रेलिंग पे हमने ग्लास का यूज करी हुई है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग छत पे आ गए हैं। तो कुछ इस तरह से वाटर टैंक का सेटअप कर सकते हैं। और ये जो जाली आपको दिख रही है ये आपकी OTS की डक्ट की जाली है जिसके जरिए से आपके कमरे पे, बाथरूम पे, टॉयलेट पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। और ये आपका स्टेयर रूम। तो ओवरव्यू लुक आपको कैसा लगा ये 16 फीट बाई 35 फीट का, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।